दोस्तों, आप अगर ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आपको पता होगा कि हमें किसी भी कॉन्टेस्ट में अपना टीम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक टीम बनाना पड़ता है, और उसके बाद हम किसी भी मैच के कैश कॉन्टेस्ट में हमारे उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे टीम के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हमारी टीम के प्लेयर्स को अच्छा पॉइंट्स मिलता है, और अगर हमारी टीम को अच्छा पॉइंट्स मिलता है तो हमारी टीम अच्छा से जो है रैंक होता है, क्योंकि पॉइंट्स से ही टीम के रैंक को जो है तय किया जाता है। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स के सिस्टम है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे एक बॉलर को एक विकेट मिलने पर उनको कितना पॉइंट्स मिलता है, एक बैट्समैन को एक रन करने से उनको कितना पॉइंट्स मिलेगा, और कोई अगर एक रन आउट करते या फिर कैच लेते हैं तो उसको कितना पॉइंट्स मिलता है। ये सब के बारे में नए यूजर्स को कुछ भी जानकारी नहीं है, और उन लोग ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम को समझे। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो ड्रीम इलेवन का अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कंफर्म है कि नहीं, आप लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के लोगों पर आपका जो ड्रीम इलेवन में टीम के नेम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ड्रीम इलेवन का अकाउंट है वो लॉगिन है। तो अभी ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम चेक करने के लिए आपको कोई भी पुराने वाले कोई भी अगर कॉन्टेस्ट आपने ज्वाइन किया था, चाहे वो फ्री वाले हो या कैश कॉन्टेस्ट हो, तो किसी के जो भी कंप्लीट मैचेस है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट वाला। उसके बाद आपको राइट साइड कोने में आप ऊपर के साइड देखेंगे कि इधर PTS का एक ऑप्शन राउंड लिखा हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद ड्रीम इलेवन का जो पॉइंट सिस्टम का रूल्स है इधर आपको देखने को मिलेगा। तो इधर देखेंगे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, बेसबॉल है। तो मैं आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा हूँ क्रिकेट का दिखाने जा रहा हूँ। तो सेम इसी तरीके से आप अलग अलग जो मैचेस है, अलग अलग जो स्पोर्ट्स है, उनके भी पॉइंट सिस्टम उस पर क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल क्रिकेट के जो पॉइंट सिस्टम है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्रिकेट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको दो नंबर ऑप्शन में देखने को मिलेगा फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। तो आपको इस पर जो बाजू में एक एरो दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको काफ़ी सारे मैचेस के जो टूर्नामेंट है आपको देखने को मिलेगा, जैसे T20 है, वनडे है, टेस्ट है, T10 है, द 100 है। तो इसमें कौन सा मैच, किस तरह का मैच का आपको पॉइंट्स जानना है, तो जैसे अब मैं आपको आपको बता दूं कि ड्रीम इलेवन जो है T20 के लिए ही मतलब फेमस है, यानी कि जब से IPL शुरू हुआ था तब से ड्रीम इलेवन में जो है ज़्यादा ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था, ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया था। इसलिए मैं आज जो आपको T20 का जो मैचेस का जो पॉइंट सिस्टम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अगर अलग अलग मैचेस का जैसे वनडे टेस्ट का जानना है तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और उसके बाद में भी उसका पॉइंट सिस्टम आप देख सकते हैं। सबका पॉइंट सिस्टम थोड़ा मतलब देख आप जैसे मैं T20 का देख रहा हूँ सेम उसी तरह से आपको अलग अलग जो मैच है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट सिस्टम का देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इधर कि बैटिंग पॉइंट्स। तो चलिए हम बैटिंग पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। बैटिंग पॉइंट्स का मतलब है कि अगर कोई बैट्समैन कोई भी प्लेयर्स रन बनाते हैं, कुछ करते हैं, सेंचुरी करते हैं, हाफ सेंचुरी करते हैं, चार छक्का मारता है, तो उसको किस तरह से पॉइंट्स मिलता है। तो बैटिंग पॉइंट्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा +1, यानी कि अगर कोई एक रन करता है कोई बैट्समैन तो उनको एक पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद है बाउंड्री बोनस। बाउंड्री बोनस का मतलब है कोई प्लेयर्स अगर चार मारता है, इसको बाउंड्री बोलते हैं कि चार मार देते हैं तो उसको चार पॉइंट्स तो मिलेंगे, साथ में प्लस एक पॉइंट यानी कि 5 पॉइंट्स मिलेगा, यानी कि हर एक चार में आपको एक एक पॉइंट जो है एक्स्ट्रा मिलेगा प्लेयर्स को। उसके बाद है सिक्स बोनस। सिक्स बोनस का मतलब है कि कोई भी प्लेयर्स अगर सिक्स मारता है तो 6 पॉइंट्स तो उनको मिलेंगे। 6 पॉइंट में जैसे रन में एक रन में एक पॉइंट्स मिलता है तो 6 रन में 6 पॉइंट्स मिलेगा, और सिक्स मारेगा तो +2 पॉइंट, यानी कि एक छक्का अगर कोई प्लेयर्स मारता है तो उनको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल 8 पॉइंट होता है। उसके बाद है 30 रन बोनस। इसका मतलब है कि कोई भी प्लेयर्स अगर 30 से ज़्यादा रन बना देते हैं या फिर 30 रन कर देते हैं तो उनको 30 पॉइंट से ज़्यादा प्लस
4 पॉइंट उनको और दिया जाता है। उसके बाद है हाफ सेंचुरी बोनस। हाफ सेंचुरी बोनस का मतलब है कोई भी प्लेयर्स अगर 50 या फिर 50 से ज़्यादा रन करते हैं तो उनको प्लस 8 पॉइंट दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर 50 रन उन्होंने शॉर्ट रन लिया था तो 50 पॉइंट्स उनको मिले थे, प्लस 8 पॉइंट उनको और मिलेगा, टोटल 58 पॉइंट्स हो जाएगा अगर कोई भी प्लेयर्स हाफ सेंचुरी करता है यानी कि 50 रन बनाता है। उसके बाद है सेंचुरी बोनस। सेंचुरी बोनस का मतलब है कि कोई भी प्लेयर्स अगर 100 रन बनाता है तो उनको 100 पॉइंट्स तो मिलता ही है, साथ में 16 पॉइंट्स एक्स्ट्रा और मिलेंगे यानी कि 116 पॉइंट्स उनको मिल जाएगा। उसके बाद है डिसमिसल फॉर ए डक। इसका मतलब है कोई अगर 0 रन में आउट हो जाए तो उसमें कौन 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 सा इंक्लूड है, बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर। यानी कि ये 0 रन में अगर बैट्समैन या फिर कोई विकेट कीपर या फिर कोई ऑलराउंडर आउट हो जाता है तो उनको -2 पॉइंट दिया जाएगा। ऐसे आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लेयर्स खेलते हैं टीम 11 में, प्लेयर्स 11 में, तो उन प्लेयर्स को जब आप लेते हैं तो हर एक प्लेयर से आपको 4-4 पॉइंट्स मिलता है और कैप्टन को 8 पॉइंट्स मिलता है और वाइस कैप्टन को 6 पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। तो कोई भी प्लेयर्स का अगर मतलब 0 रन में आउट हो जाता है, चाहे वो बैट्समैन हो, विकेट कीपर हो, ऑलराउंडर हो, तो अगर उनको -2 पॉइंट कर दिया जाता है। यानी कि आपको अगर 4 पॉइंट्स किसी भी प्लेयर से मिला था तो अगर उसने 0 रन में आउट हो गया तो उसको -2 पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद आपको इधर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे लिखा है एनी प्लेयर स्कोरिंग ए सेंचुरी विल गेट ओनली पॉइंट्स फॉर द सेंचुरी, नो पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड बाई 30 रन बोनस और हाफ सेंचुरी बोनस, एडिशनली नो पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर सेंचुरीज इन टी10 मैच। यानी कि टी10 मैच के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपको इधर देखने को मिलेगा, तब इसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको इधर से जो है कवर कर दिया हूँ। आपको ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी पॉइंट्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए अभी बैटिंग तो हमने कर लिया, अभी हम बॉलिंग पॉइंट्स को चेक करेंगे। बॉलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। बॉलिंग पॉइंट्स के ऊपर आपको जो बॉलर होता है ना उनको पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें लिखा है कि विकेट प्लस 25 एक्सक्लूडिंग रन आउट, यानी कि अगर कोई भी बॉलर ने विकेट लेता है उसमें रन आउट भी अगर इंक्लूड रहता है तो उसको 25 पॉइंट्स मिलते हैं एक विकेट में। उसके बाद है बोनस LBW या फिर बोल्ड। अगर कोई भी बॉलर जो है LBW करता है फिर डायरेक्ट बोल्ड कर देता है तो उनको 8 पॉइंट मिलता है प्लस, यानी कि 25 प्लस 8 टोटल 33 पॉइंट्स हो जाएगा। उसके बाद है 3 विकेट बोनस, यानी कि कोई भी बॉलर अगर 3 विकेट ले लेता है एक मैच में तो उनको प्लस 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी पॉइंट आपको मिलेगा 25-3-75 प्लस 4 पॉइंट और मिल जाएगा। उसके बाद है 4 विकेट बोनस। 4 विकेट का बोनस अगर कोई भी बॉलर ने 4 विकेट ले लेते हैं तो 100 पॉइंट उनको मिलेगा, 25×4 और प्लस 8 पॉइंट और मिल जाएगा। और अगर कोई 5 विकेट ले लेते हैं तो 16 पॉइंट और मिलेगा। और कोई अगर मेडन ओवर यानी कि एक ओवर मतलब टोटल जो है कोई भी रन नहीं देते पूरा मेडन देते कोई भी एक ओवर में तो उनको 12 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद है फील्डिंग पॉइंट। तो चलिए फील्डिंग पॉइंट्स के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। फील्डिंग पॉइंट्स पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कैच, अगर कोई भी प्लेयर्स कैच लेते हैं तो उनको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई भी प्लेयर 3 कैच लगातार लेते हैं एक पॉइंट्स में तो प्लस 4 पॉइंट और मिलेगी, यानी कि 8×3=24 हो गया और प्लस 4 यानी कि 28 पॉइंट्स मिल जाएगा। उसके बाद है स्टम्पिंग, यानी कि स्टम्प कर देते स्टम्प आउट कर देते तो उनको 12 पॉइंट्स मिलेगा उस प्लेयर्स को। उसके बाद है रन आउट डायरेक्ट हिट, यानी कि कोई अगर रन आउट कर देता है डायरेक्ट एक ही थ्रो में जो है उसको आउट कर देते हैं विकेट को हिट करता है तो 12 पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद रन आउट नॉट ए डायरेक्ट हिट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई रन आउट होता है एक प्लेयर या फिर दो प्लेयर मिलके तो जो 6 पॉइंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो दोनों को 6-6 पॉइंट्स करके दिया जाएगा। इस तरह का कुछ आपको फील्डिंग पॉइंट्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन है आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो चलिए अभी हम दूसरा पॉइंट जो है अदर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर पॉइंट्स में क्या क्या मिलता है, जैसे कैप्टन, मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैच शुरू होता है मैच शुरू होने के पहले आप जो भी प्लेयर्स उस मैच में खेल रहा है उस मैच में तो आप अगर उस प्लेयर्स को लेंगे, जैसे आप अगर कैप्टन किसी को बनाते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको बनाना ही पड़ेगा क्रिकेट के मैच में, तभी आप जो है टीम को लगा पाएंगे किसी भी कॉन्टेस्ट में। तो आपका जो कैप्टन होगा आपको 2 गुना पॉइंट देके जाएगा, यानी कि 4 पॉइंट का 8 पॉइंट होता है। अगर उन्होंने नॉर्मल में 50 पॉइंट कैलकुलेशन होता है तो आपको अगर वो कैप्टन रहेगा तो आपको 100 पॉइंट मिलेगा। ऐसे वाइस कैप्टन भी नॉर्मली जब आपको लेंगे तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं और जैसे ही वो कुछ रन करते हैं कुछ भी उसको परफॉर्म करते हैं उसको पॉइंट्स मिलते हैं
तो डेढ़ गुना हो जाता है। तो इस तरह से जो है 4 पॉइंट उनको मिलता है तो उसको 6 पॉइंट मिलेगा। इस तरह का कुछ कैलकुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो प्लेयर्स आपके टीम में खेल रहे हैं और वो प्लेयर्स आपको अपने मतलब मैच में खेल रहे हैं, आपने उसको ले रखा है, तो उन सारे प्लेयर्स को 4-4 पॉइंट्स करके आपको मिलेगा। सिर्फ कैप्टन को 8 पॉइंट्स और वाइस कैप्टन को 6 पॉइंट्स मिलेगा। ये हो गया अदर पॉइंट्स का। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी रेट पॉइंट्स। तो चलिए इकोनॉमी रेट मतलब जो बॉलर होता है वो अगर अच्छा बॉलिंग करते हैं, अच्छा विकेट्स लेते हैं, रन कम्स देते हैं, तो उनको किस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको बताता हूँ। तो इसमें देखें बिलो 5 रन्स पर ओवर, इसका मतलब है कि कोई भी बॉलर अगर एक ओवर में 5 रन से कम रन देता है तो उनको +6 पॉइंट्स मिलता है। और बिटवीन 5.99 यानी 5 से 5.99, 5 से 6 के बीच में अगर कोई रन देता है तो उनको 4 पॉइंट्स मिलता है। उसके बाद है बिटवीन 6 to 7 रन पर ओवर, अगर 6 से 7 रन पर ओवर देता है तो +2 पॉइंट्स मिलता है। बिटवीन 10 से 11 अगर पर ओवर रन अगर कोई भी बॉलर देता है तो उसको -2 करके पॉइंट्स दिया जाता है, यानी कि उसका जो भी पॉइंट्स कैलकुलेशन रहेगा उसमें से -2 किया जाएगा। उसके बाद है बिटवीन 11 से 11.01 से 12 तक अगर कोई बॉलर्स रन देते हैं तो उसको -4 पॉइंट मिलेगा। एबव 12 रन्स पर ओवर, यानी कि कोई भी बॉलर्स को अगर 12 से ज़्यादा रन एक ओवर में ले लेते हैं कोई भी बैट्समैन कोई भी प्लेयर्स, तो उनको -6 पॉइंट्स मिलेगा। तो इस तरह से जो है इकोनॉमी के रेट्स का जो पॉइंट्स है इधर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान दें कि मिनिमम 2 ओवर्स टू बी बोल, इसका मतलब है कोई भी प्लेयर्स का ये जो इकोनॉमी रेट का सिस्टम कैलकुलेशन है, अगर कोई भी प्लेयर्स 2 ओवर्स बॉलिंग करता है तभी उनके लिए ये लागू होगा, चाहे उसका प्लस पॉइंट हो या फिर माइनस पॉइंट। 2 ओवर से नीचे अगर कोई बॉलर बॉल करता है 1 ओवर तो उनके लिए ये लागू नहीं होगा पॉइंट सिस्टम। तो चलिए अभी जो है स्ट्राइक रेट, यानी कि जो बैट्समैन होता है अगर अच्छा खेलते हैं तो कितना बॉल में कितना रन करते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट किस तरह से तय किया जाता है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट बॉलर, यानी कि इसमें बॉलर्स का काउंट्स नहीं है। मिनिमम 10 बॉल्स टू बी प्लेड, यानी कि 10 बॉल खेलेगा तभी उनके लिए पॉइंट सिस्टम जो है लागू होगा। उसके बाद है एबव 170 रन्स पर 100 बॉल्स, इसका मतलब है कि 100 बॉल में कोई भी प्लेयर्स अगर 170 रन बना देते हैं तो उनको +6 पॉइंट्स मिलेगा। तो उसके बाद है बिटवीन 150.01 से 170 रन अगर बना देते हैं 100 बॉल में तो उनको +4 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद है बिटवीन 130 to 150 रन्स पर 100 बॉल्स, उसको +2 पॉइंट्स मिलेगा। उसके बाद है बिटवीन 60 से 70 रन्स पर 100 बॉल्स, यानी कि कोई भी प्लेयर्स अगर 100 बॉल में 60 से 70 रन बनाते हैं तो उनको -2 पॉइंट दिया जाएगा, जो भी पॉइंट्स होगा उसमें से -2 पॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद है बिटवीन 50 से 59.99 रन 10 पर 100 बॉल्स, इसका मतलब है 100 बॉल में अगर कोई 50 से 60 के बीच में जो मतलब रन करते हैं तो उनको -4 पॉइंट दिया जाएगा। और बिलो 50 रन्स पर 100 बॉल्स, अगर कोई भी प्लस 100 बॉल खेल के 50 रन भी या फिर उससे कम बनाते हैं तो उनको -6 पॉइंट दिया जाएगा। तो उसके में आपको नेगेटिव पॉइंट्स पर लो बैटिंग स्ट्राइक रेट्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट्स ऑफ 60-70 रन्स पर 100 बॉल्स और बिलो, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन है 100 बॉल्स में 70 रन के आसपास जब होगा तब उसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको इधर कुछ देखने को मिलेगा, ये आपके लिए ज़्यादा जो है ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन फिर भी आप जो है पढ़ सकते हैं। जो भी जरूरी पॉइंट्स के सिस्टम है मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो है कवर कर चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए हों कि ड्रीम इलेवन के पॉइंट सिस्टम किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे प्लेयर्स को पॉइंट्स मिलता है और हमारी टीम कैसे रैंक होता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगा। और इस जानकारी से जुड़े हुए आपके मन में किसी भी तरह के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।